अस्सलाम वालेकुम माजी कुदीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको कुछ नाम देख करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक सल्लम। आज माजी कुदीन में हम क्या बना रहे हैं, हम बहुत ज़बरदस्त डिश है, ये गर्मी में बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं बना रही हूँ गोश्त के साथ घिया तोरी का सालन, ये बहुत लजीज बनता है। ये एक मैंने आपको मैंने सारी ये कर ली है, कटिंग कर ली है, इनको पील किया अच्छी तरह धो के। मैं इनको ऐसे बना रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए। मैंने मिट्टी के कोट में बना रही हूँ, इसमें बड़ा ही अच्छा शानदार इसका टेस्ट आता है। 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने इधर डाला, 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इधर डाला। जो ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, आधा प्याज इधर डाल दिया, 2 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है वो डाल दी है। प्याज हमारा जरा सा हल्का सा सोते हो जाएगा तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का मैंने 2 टेबलस्पून पेस्ट लिया है, तो इसमें 1 टेबलस्पून मैं इधर डाल दूंगी और इसमें फिर मैं इसे अच्छी तरह फ्राई कर लूंगी। तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब मैंने घिया तोरियां ली हैं और तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास ये मीट है। हम इसलिए करें ताकि हमारी जो है ना सालन जल्दी बन जाए, इधर हमारी घिया तोरी जल्दी से पक जाएगी, दूसरी तरफ हमारा जो मीट है ना वो टेंडर हो जाएगा। ये जो नहीं हमारा ये प्याज हो जाएगा सोते, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का आधा पेस्ट मैं इधर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके साथ ही जो मैंने ये मीट लिया हुआ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज जब हमारा हल्का सा सोते हो जाए तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें थोड़ा सा पानी सा डाला वो ऐड कर दूंगी। मटन की प्यूरी है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही ये हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ टी नमक लिया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर चेंज चुका है। अब इस स्टेज में मैं जो सुरख मिर्च और हल्दी इसमें डाल दूंगी, नमक नहीं डालूंगी, नमक से ये देर से गलेगा। और अब साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मसाला जबरदस्त तैयार हो चुका है, घी इसने छोड़ दिया। इस स्टेज पे जो जितनी मैं ये घिया तोरियां हैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तोरियां बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, इनको हमने इसी के पानी में इनको टेंडर करना है। अब इसकी मैं जो आँच है मदम करके तो इसको, अब ये दोनों चीजें टेंडर हो जाए फिर मैं आपसे मिलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह से हमारी तोरियां फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। दूसरी तरह हमारा जो सालन है जो हमने मीट किया था वो भी टेंडर हो चुका है। जो मैंने 1 टीस्पून नमक बचाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बोटियां हमारी टेंडर हो चुकी हैं, मैं इसमें इसमें इसे इन्हें मैं मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसका खास मसाला है, मैंने सफेद जीरा, सूखा धनिया, ड्राई रोस्ट करके और सुरख मिर्चें इनको मैंने अच्छी तरह से हल्का हल्का जिसे कहते हैं दादर करना वो कर लिया। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्टेज पे अच्छी तरह से मिक्स कर दी, इसमें से बड़ा अच्छा रोमा आ जाएगा। साथ ही मैं क्या करूंगी, मैंने 3 हरी मिर्चें ली है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। कुछ धनिया मैं गार्निश में रख लूंगी, कुछ धनिया इस टाइम पर ऐड कर दूंगी। माशाल्लाह से ये हमारी तैयार हो चुकी है। खुद खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दोनों के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और आपने क्या करना है, और आपने अपनी जबानों को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखा करें, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दूद और सलाम की कसरत करें ताकि हमारी जिंदगी में बहारें ही बहारें आ जाएं। और अगर आपने हमारे चैनल माजी कुज़ीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त टेस्टी हमारा तुरई का सालन तैयार हो गया है। चूंकि इसमें ये सादा भी टेस्टी बनती है, जब इसमें हम मीट डाल दें तो इसका कहते ना दोबाला हो गया, इनहेंस हो गया, इसका जायका और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसे बनाए, मैंने बड़े इजी तरीके से आपको बनाना बताया, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह की नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।